गुलजारीगढ़ साहब का और ये इन्होंने इत्तेदा की है, इख्तिसार की। अब मैं जितने भी शोरा मेरी फहरिस्त में है मैं उनसे बड़ी अदब के साथ गुजार करूँगा कि वो इख्तिसार कर लें। हजरात, हमारे बीच में आज के इस मुशायरे की तीन शायरा मौजूद है, जिसमें एक तो पढ़ चुकी है, दो शायरा अभी हमारे बाकी हैं। मेरी बड़ी अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ दो शेर के साथ के साये में तेरी जुल्फ के हम शाम करेंगे, साये में तेरी जुल्फ के हम शाम करेंगे, जागे हैं शबे हिज्र के आराम करेंगे, और चिलमन से तेरे हुस्न का छन छन के निकलना, ये तेरे इशारे मुझे बदनाम करेंगे। इस्तकबाल कीजिए अस्मा किरतपुरी का, अस्मा किरतपुरी जो दिल्ली से तशरीफ लाई हैं, बड़े ही मोहतरम शायरा हैं, इस्तकबाल कीजिएगा मोहतरमा अस्मा किरतपुरी। अस्सलामु अलैकुम। देखिए जी, शायरी सुनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह, बस थोड़ा सा गला खराब है, ठीक है, लेकिन आपको शायरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप बता कीजिए, आपकी समातों के हालात ये सामान बहुत अच्छे हैं, हर तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं। शेर मुलायजा कीजिए। आता की ऐशो इशरत में पलने वालों को, ऐशो इशरत में पलने, ऐशो इशरत में पलने वालों को क्या खबर है कि बेबसी क्या है। ऐशो इशरत में पलने वालों को क्या खबर है कि बेबसी क्या है, हमने रो रो के दिन गुजारे हैं, हमसे पूछो कि जिंदगी क्या है। और आप सभी नौजवानों के लिए एक शेर, उसके बाद एक तरन्नुम में गजल, और उसके बाद वो क्या जाने क्या होती है तन्हाई, वो क्या जाने क्या होती है तन्हाई, एक टूटे हुए पत्ते से पूछो क्या होती है जुदाई। वो क्या जाने क्या होती है तन्हाई, एक टूटे हुए पत्ते से पूछो क्या होती है जुदाई, वो सोचते होंगे कि हम उन्हें भूल गए, वो सोचते होंगे कि हम उन्हें भूल गए, पर इस वक्त से पूछ के किस वक्त तुम्हारी याद ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी। गजल पढ़िए। गजल तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करूंगी। जी पढ़िए, बता कीजिए। रंजो गम चांद निकले या जे
दो तीन शेर और अदा कीजिए, तीन शेर अदा कीजिए, दो शेर पढ़िए। वक्त का ख्याल कीजिएगा आप भी, इंशाल्लाह अगली मरतबा आपकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। मुझे थोड़ी सी ख्वाहिश, एक शेर उसके बाद में दो शेर पढ़ दीजिए। आप सभी नौजवानों के हवाले फिर से एक बार, जिनके लिए हम दीवाने हो गए, जिनके लिए हम दीवाने हो गए वो हमी से बेगाने हो गए, जिनके लिए हम दीवाने हो गए वो हमी से बेगाने हो गए, शायद उन्हें तलाश हो किसी नए दोस्त की, शायद अब उन्हें तलाश हो किसी नए दोस्त की, क्योंकि उनकी नजरों में अब हम पुराने हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थी आपके बीच में। दो तीन शेर पढ़ लीजिए गजल के, सुबह वक्त का ख्याल रखें, सवा दिन हो चुके हैं, सिर्फ दो तीन शेर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट टाइम बढ़िया से पढ़ दूंगी, लेकिन गले जी अदा कीजिए, अदा कीजिए। तुम्हारे दर्द की अंजुमन तामीर अदब ने शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कांधला में मुनक्किद किया। इस मुशायरे के जरिए मरहूम शायर एहसान दानिश को याद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जुनेद अख्तर साहब, जो हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं, और इसके अलावा इस मुशायरे की कोऑर्डिनेटर रहीं हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शायरा मोहतरमा रिफत जमाल। इस मुशायरे का लाइव टेलीकास्ट इंटरनेट पर सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया गया। रॉकी प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक टेक्स्ट चैट, पिक्चर चैट, वीडियो चैट। डाउनलोड रॉकी टॉक ऑन योर मोबाइल। कॉन्टेक्ट नंबर 9997640286। विजिट अवर वेबसाइट www.rockytalkmedia.com।